अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में लॉकडाउन के किस तरह से सरे बाजार धज्जियां उड़ रही हैं, इसका वीडियो बनाकर वायरल करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने काशिफ नामक युवक को जबरन उठा लिया। इस वीडियो के सुर्खियों में आने के बाद ही पुलिस ने आज सुबह से ही शकूर नगर व अन्य मुस्लिम इलाकों में सख्ती कर भीड़ को घरों में घुसने के लिए मजबूर कर दिया था। बता दें कि मेरठ के तमाम मुस्लिम इलाके ऐसे हैं जहां मुख्य मार्ग पर बल्लियां लगा दी गई हैं, लेकिन उसके भीतर बाकायदा बाजार चल रहे हैं, खुलकर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। उठाए जाने से पूर्व इस युवक ने यह सवाल भी किया कि आखिर उसने गलत क्या किया है, क्या प्रशासन की आंख खोलना गलत है। उसके पिता ने भी सवाल किया, उसे जिस तरह से उठाया गया, क्या वह कोई मुजरिम है। बीते दिवस शकूर नगर निवासी काशिफ ने एक वीडियो वायरल कर शासन प्रशासन में खलबली पैदा कर दी थी। इसमें दिखाया गया था कि किस तरह से मुस्लिम इलाकों में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो कोरोना मेरठ में भयावह रूप लेगा और इस पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल भरा होगा। आज सुबह काशिफ ने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया, पहले वह देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका दोस्त काशिफ अली बिग बॉस। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रशासन को जागरूक करने के लिए, कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया है जो 3 मई तक है, और सभी सरकार ने, प्रदेश की सरकारों ने इसे सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। कि मेरे क्षेत्र के अंदर तो ये अर्थव्यवस्था पड़ रही थी। कल की वीडियो में आप देखिए किस तरीके से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को, पुलिस प्रशासन को जागरूक करने के लिए मैंने वो वीडियो बना के वायरल किया। इसका खामियाजा यह हुआ कि पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बना रहा है और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक फिल्म एक्टर हूँ और एक मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरी सोच यह है कि लोगों में इस बीमारी से लोगों को बचाया जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। अगर मेरी ये सोच लोगों को गलत लगती है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, मगर मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने ऊपर बुराई लेके इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई, क्योंकि इसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन सख्ती में आया और यहाँ पर सारी दुकानें बंद करा दी है और PSC लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस मेरे ऊपर ज़ास्ती क्यों कर रही है, जबकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों को जागरूक कर रहा था। और मेरी दूसरी वीडियो में भी ये है कि भाई मैं किसी काम से बाहर निकला हूँ और लोग अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन ना तो कभी खत्म होगा और ना ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज दोपहर बाद उसे पुलिस ने जबरन उठा लिया और थाने भेज दिया। इस तरह उठाने पर काशिफ के पिता ने एतराज जाहिर किया, आइए देखते हैं। इसी क्रम में आज शकूर नगर व अन्य मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने सख्ती बरती और 5 मुकदमे लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज भी किए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।